हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, कॉलेज वाले सभी बच्चे पास कर दिए जाएंगे ऐसी गाइडलाइन पहले सभी कॉलेज ने, सभी यूनिवर्सिटी ने और यूजीसी ने भी ये गाइडलाइन दे दी थी कि कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम नहीं होंगे, ना ही किसी यूनिवर्सिटी के, चाहे वो ग्रेजुएशन है चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन है, बिना एग्ज़ाम के उसको अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी अभी यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है जिसके तहत बोला गया है कि कोई भी पास नहीं होगा, एग्ज़ाम होंगे। तो दोस्तों, नई गाइडलाइन आ चुकी है। यदि आप जानना चाहते हैं नई गाइडलाइन में क्या बताया गया है और किन को एग्ज़ाम के लिए बोल दिया गया है और क्या बदलाव कर दिया गया है, तो यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश, स्वागत करता हूं इस वीडियो में और आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज टीवी देशिता ऊपर। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? इस चैनल पर हर रोज़ आपके लिए आपके कॉलेज से जुड़ी हुई, आपके यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई मैं वीडियो लेके आता रहता हूं जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके मिस ना हो। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कॉलेज वालों की और देख लेते हैं क्या गाइडलाइन अब जारी की गई है नई। तो दोस्तों, ये जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है, आप जानते ही होंगे, यहाँ पर इन्होंने 19 मिनट पहले, अभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ आपकी 10:02 पे, तो अभी 20 मिनट पहले इन्होंने ट्वीट किया है। आप इनका ट्विटर हैंडल भी चेक कर सकते हैं। द यूजीसी हैज़ रिवाइज्ड इट्स अर्लियर गाइडलाइंस रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन व्यू ऑफ द सेफ्टी, कैरियर प्रोग्रेशन एंड प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट एंड देयर लार्जर इंटरेस्ट्स। आफ्टर कंसल्टिंग इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट, ये गाइडलाइन दोस्तों जारी हुई है। मैं आपको ये नोटिस भी अभी दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों यूजीसी का जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने शेयर किया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन्होंने क्या बोला है कि अप्रैल 2020 में गाइडलाइन जारी की थी एग्ज़ाम वगैरह के बारे में जो भी था, और फिर आज 6/7/2020 को मीटिंग हुई है और उसमें क्या फैसला लिया गया है वो यहाँ पे नीचे बताया गया है। तो नीचे देख लेते हैं, इसमें ये बताया गया है कि यदि हम बच्चों को बिना एग्ज़ाम के प्रमोट कर देंगे, फाइनल वालों को, यहाँ पे मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ पहले, उसके बाद में जो बाकी हैं बीच वाले जो सेमेस्टर हैं उनकी बात भी करूँगा, जो फाइनल वाले कैंडिडेट हैं यदि उनको बिना एग्ज़ाम के प्रमोट कर दिया जाएगा तो उनकी जो प्लेसमेंट वगैरह है उसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या डिसीज़न लिया, यहाँ पे आप ये देखिएगा, द टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बाय द एंड ऑफ सितंबर 2020। ऑफलाइन, ऑनलाइन, ऑफ लाइन या ऑनलाइन मोड में ले सकते हैं। सितंबर 2020 में दोस्तों फाइनल सेमेस्टर के या फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे। अभी यूजीसी ने गाइडलाइन चेंज कर दी है, ठीक है। पहले क्या था, इनको भी प्रमोट करने का जो नोटिस था वो आया था, लेकिन अब ये गाइडलाइन चेंज हो चुकी है। आज 20 मिनट पहले ये ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई है, ठीक है। तो सितंबर 2020 में जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम होंगे, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी, ठीक है जी। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए, ये नहीं कि किसी एक के लिए है, सभी के लिए है। और इन्होंने एक और बता दिया है, जो अभी अपीयर नहीं हो सकता सितंबर 2020 में, उसको बाद में मौका दिया जाएगा पास होने के लिए, ठीक है। और सारी जो चीज़ें हैं वो चेंज रहेगी, यानी कि इन्होंने फाइनल की स्टेटमेंट तो चेंज कर दी, फाइनल की, सेमेस्टर की और फाइनल ईयर की, और जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी सेम रहेगी, ठीक है। आगे क्या है, इफ़ नीड बी द रिलेवेंट डिटेल टू द एडमिशन एंड एकेडमिक कैलेंडर इन द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज शैल बी इश्यूड सेपरेटली इन प्लेस ऑफ दोज मेंशन इन द अर्लियर गाइडलाइन इश्यूड ऑन 29 अप्रैल 2020, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम होंगे सितंबर 2020 में। अब बात आती है कि जो बीच वाले कैंडिडेट हैं उनका क्या होगा, तो उनके लिए भी इन्होंने, जैसे ही इन्होंने ये ट्वीट किया था, इस ट्वीट के नीचे किसी ने कमेंट करके पूछा तो इन्होंने रिप्लाई किया दोबारा से। यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे, इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट विल बी इवेल्यूएटेड बेस्ड ऑन इंटरनल असेसमेंट एज पर अर्लियर इश्यूड गाइडलाइन। तो उन्हें तो जो इंटरनल असेसमेंट है उनके बेस पे ही
मार्क किया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। और दूसरा भी इन्होंने एक और रिप्लाई किया, दो नंबर पॉइंट यहाँ पे आप देखिएगा, और यहाँ पे यहाँ देख भी सकते हैं 22 मिनट पहले दोस्तों, ये इवैल्यूएशन ऑफ द टर्मिनल सेमेस्टर स्टूडेंट विच वाज टू बी डन थरो एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो दोस्तों जो जुलाई में एग्जाम होने थे ना जिन सेमेस्टर के, नाउ देयर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द एंड ऑफ सितंबर 2020 फॉलोइंग गाइडलाइंस ले डाउन बाई। तो सितंबर 2020 में आपके एग्ज़ाम होंगे जो अभी जुलाई में होने वाले थे, ठीक है ना, समझ गए। इंटरमीडिएट वाले तो गाइडलाइन वही है इंटरनल असेसमेंट पे, और फाइनल ईयर वाले का एग्ज़ाम होंगे सितंबर 2020 में, गाइडलाइन आपके सामने है दोस्तों, सारी चीज़ आपके सामने है। आगे फ्यूचर में जो भी होगा, जो भी बदलाव होगा आपको बता दिया जाएगा। ये UGC की नई गाइडलाइन थी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने ये नोटिस जारी किया है, ट्विटर पर आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या बदलाव हो गया शायद आप समझ नहीं पा रहे होंगे अभी, और अभी आप कन्फ्यूज़ होंगे ये क्या हो गया, क्योंकि आप सभी प्रमोट होने वाले थे, लेकिन फाइनली अभी के लिए नोटिस आया है। आगे जो भी बदलाव हुआ वो भी आपको समय रहते सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सके और वो डिसीजन ले सके कि क्या ये फैसला गलत है, क्या ये फैसला सही है, ठीक है। तो ये एक अपडेट थी दोस्तों जो आपके साथ शेयर करनी थी, उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट पसंद आई है। यदि अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसी प्रकार की वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।